लोग लूटा लेके बैठे रहेंगे ऐसे और इधर लकड़ी के का आया बंदा, तो हम लोग बोलेंगे कि तुम्हारी टट्टी का डब्बा लेने आए। आज हमारे अरविंद भाई बुलाए हैं इसकी दुकान में कि पार्टी करवा रहे कम से कम 500-1000 रुपए की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? दुआ करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं लिटिल खान स्वागत करता हूँ आपका लिटिल खान एल के ब्लॉग में एक सुहानी सुबह में ताजगी भरे दिन के साथ। तो और भाइयों क्या हाल चाल, सब बढ़िया? वैसे अभी पूरी सुबह नहीं हुई है, 5 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं खेतौला रेलवे स्टेशन। जी हाँ, से हो रहा खेतौला रेलवे स्टेशन, क्योंकि मम्मी लोग कानपुर से वापस लौट आई हैं और उनकी ट्रेन सुबह 4:30 बजे की थी, लेकिन थोड़ा डिले हो गई भाई, बीच रास्ते में रुकते उकते हुए आई है, तो वो 5:25 पर करीब पहुंचेगी सिहोरा। तो मम्मी ने पहले ही बोल दिया था कि तुम लोग पहले निकल जाना, हम लोग उधर से पहुंचेंगे, तुम लोग इधर से पहुंच जाना। तो मैं सोचा भाई अकेले जाने में थोड़ा फटती है, तो बोला कि भाई अतुल भाई को ले लो साथ में, क्या पता रास्ते में 2-4 लड़की अब चोर वोर मिल गया तो भाई लफड़ा है ना, तो इस वजह से मैं साथ के लिए बैठा लिया भाई। और थोड़ा मस्ती मजाक, थोड़ा बोलना बताना हंसना गाना भी होता चलेगा, थोड़ी काड़ा फोड़ना फाड़ना ये सब भी चलता रहेगा। तो चलते हैं, पहुंचते हैं। अब डीजल भाई एक पॉइंट है, क्या पता होता है कि नहीं होता भाई, खेतौला तो पहुंच जा, फिर वहां पे अगर लौटते में पेट्रोल पंप खुला होगा तो डलवा लेंगे, क्योंकि यहां पे तो भाई 6 के बाद खुलता है मेरे हिसाब से, तो 6 के बाद खुलता है बाकल में, तो अभी तो खुला नहीं होगा क्योंकि 5 बजे हुए हैं। तो पहुंचते हैं वहां, मम्मी लोगों को डैडी लोगों को बैठाते हैं और लौटते में पेट्रोल पंप खुला होगा तो डलवा लेंगे। बाकी चलते हैं, मौज मस्ती फन करते हैं, इंजॉय करते हैं। और भाई बढ़िया सी स्टोरी वगैरह भी सोच रखी है, तो वो भी बनाना है, तो पहले मम्मी लोगों को ले आते हैं, फिर लड़कों से वार्तालाप करते हैं और आपके सामने बढ़िया सी तगड़ी सी प्यारी वाली स्टोरी प्रस्तुत करते हैं। तो चलते हैं, करते हैं दिन की शुरुआत तन मन धन के साथ, गुड फीलिंग के साथ। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बने रहो लिटिल खान एल के ब्लॉग में, क्योंकि एक ही तो लाइफ है, एंजॉय करो यार। तो चलिए चलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। और ऐसे भाई देख रहे हो, खाली रास्ता, सुनसान रास्ता है, ऐसे मौसम में लाइफ एंजॉय करते हैं। आ गए भैया सिहोरा रोड रेलवे स्टेशन। टाइम देखो कितना हो रहा है, अभी 5:38। ट्रेन अभी भी थोड़ा लेट है भाई, ट्रेन थी 5:32 पे यहाँ आने की लेट होने के बाद, पर अभी ट्रेन 5:53 पे है। मम्मी लोगों ने बोला कि कटनी से थोड़ी देर पहले निकली हुई है, 5:53 की टाइमिंग बता रही, तो मैं आ गया हूँ। अतुल आ गया भाई, मुझे तो ठंडी लग रही थी, मैं तो जैकेट पहन आया हूँ, अतुल नहीं पहन के आया तो शर्ट ही में आ गया। तो चलते हैं अंदर, थोड़ा स्टेशन का मज़ा लेते हैं थोड़ा। अरे कैसा, अरे मम्मी, अरे यहीं कानपुर गई रहे, कहाँ जा रहे? आया है कि जा रहे? अच्छा, अरे अब भाई तो आते जा रहे था के लाने आ गए, अब अकेले अकेले भगाता इतनी दूर से, बोर हो जा, पता चले नींद आने लगा गाड़ी चलाते। अकेले मम्मी और डैडी हैं, और ठीक है, कौन सी गाड़ी है? यही में चलते हैं भैया अंदर, थोड़ा स्टेशन का मज़ा लिए लेते हैं, थोड़ा सुबह सुबह स्टेशन का माहौल दिखा देते हैं आपको, कुछ ऐसी लोकेशन है सुबह सुबह लगती है। ATM वाला कहेगा सुबह सुबह से पैसे निकल रहा है, देख रहे यहाँ खड़े होकर उस दिन ट्रेन की लोकेशन टाइमिंग देख रहे हैं, कौन सा डिब्बा कहाँ लगेगा। सुबह सुबह स्टेशन का माहौल भाई, जब पिछली बार आए थे ना तो पूरा भरा था, इस बार पूरा खाली है, है? पिछली बार जब अपन रहे पूरा नहीं भर रहा भाई, एक सीट भरी थी भाई, एक सीट पूरी भरी थी, बैठने को जगह मांगनी पड़ी थी, थोड़ी सी जगह दे दो। और अभी साला पूरा एक सीट खाली पड़ी है, पहले एक सीट खाली थी, अब पूरी एक सीट खाली पड़ी है। बैठ लेते, इंतजार किए लेते हैं जब तक मम्मी लोग आती हैं, थोड़ा आराम फरमा लेते हैं। अरे ठंडी लग रही है, पंखा चल रहा होगा, सुकून भाई। देखो ये लोकेशन वाइड एंगल में दिखाई देते हैं, ये अपना स्टेशन, स्वच्छ एंड क्लीन, सरकार का। माफ करना गलती में इधर उधर निकल जाता हूँ, माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, मतलब स्वच्छ है भाई, अच्छा है, मतलब साफ है भाई, साफ सुथरा, मतलब मस्त वाइब आ रही है ना, कितना साफ और अच्छे अच्छे पास में घर हो गए, अपन चाहे जितने टाइम आ जाते
वीडियो बना। ट्रेन रेन का कोई सीन होता ना भाई, तो यहीं शूट कर लेते अपन VFX से, फिर उसको पीछे बैकग्राउंड में आगे लगा देते हैं, मस्त है अपना भाई। वैसे भी एडिटिंग में हाथ बैठ गया है, कितने मुझे लगता है 7 से 8 साल हो गए हम लोगों को एडिटिंग करते थे वीडियो बनाते हुए, तो अभी तरीके से परफेक्शनेस आ चुकी है, बिल्कुल तगड़ी वाली वीडियो आपके सामने आएंगी बहुत सारी। बाकी अभी स्टेशन का मजा लेते हैं, और ट्रेन जैसे आती है ना भाई, तो फिर मम्मी लोगों को लेके चलते हैं और पहुँचते हैं घर। ये कौन सा इंजन है भैया ज़रा बताना, तो अपन को तो पता ही नहीं। प्लेसर इंडिया लिखा हुआ है, बस इतना कंफर्म है, लेकिन है कौन सा इंजन, क्या कहते हैं इसको भाई, मुझे तो क्रेन मशीन टाइप की लग रही है। वो आ रही है भैया अपनी ट्रेन, वो आ रही दिख रही है, तो जल्दी आ भाई जल्दी आ, इंतज़ार नहीं हो रहा, जल्दी आ। आ गई भैया ट्रेन, टाइमिंग थी 5:59 की, और टाइम देखो कितना हो रहा है 6:02। कुछ पिट रही है ट्रेन, लेट होती आ रही है, आउटर में ज़्यादा मतलब खड़ी हो जाती है क्या। ए साइड आ जाने, तो अपन कहीं बैठा ले इंजन वाले कि आ भैया तुम्हें चला लो ट्रेन, हम उतरे जा रहे हैं। ये आ गई अपनी भैया भारतीय रेल, मम्मी और डैडी लोगों का आगमन होता हुआ। क्या था भैया सब बढ़िया? हाँ ठीक है ठीक। अबे साले अब खाली अपन को डिब्बा नंबर देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से F5 है, उतना कंफर्म याद तो नहीं आ रहा, लेकिन F5 है क्योंकि मैंने रिजर्वेशन किया हुआ था, तो अब रिजर्वेशन नंबर ढूंढते डिब्बा। ये तो D11 है, हाँ ये D10 है भाई, मुझे लग रहा है बीच में हो गए, तो देखते हैं भाई, आने दो इंतज़ार करते हैं भैया डैडी मम्मी। S5 चलते हैं, उतरवाते हैं बैग है भैया। ये तो ट्रेन वाला आगे लिए जा रहा, रोक ले बेटा रोक ले रोक ले, सवारी इधर ही उतरेगी, रोक ले रुक गए भैया, तो आते बड़ी मुश्किल से रोके, ड्राइवर को हमने हाथ दिया। अरे बाबा एक झोला उतरा, एक बैग उतरा, और भी एक आ गए भैया दुकान। बहुत ही ज़्यादा थकावट, नींद ऐसी आ रही कि बिल्कुल सो जाए, लेकिन थकावट तो उतनी ज़्यादा नहीं लग रही, नींद आ रही क्योंकि भाई 3:30 से उठे हुए हैं भाई, सीधे चले गए थे सहरी करके, कहाँ से हो रहा अपन। और अभी मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हम लोग जो वीडियो बनाते हैं वो खड़े एंगल में बनाते हैं, मतलब रील या शॉर्ट्स के तौर पर, तो मेरे दिमाग में चल रहा है आइडिया कि हम लोग उसको लैंडस्केप मोड पर करके, मतलब जिस तरह से सीधी भाषा में कहे तो जैसे मूवी वगैरह या वीडियो वगैरह बनती है ना यूट्यूब पर, वैसी वाली मैं सोच रहा हूँ कि वैसी वाली वीडियो बनाऊँ। तो इन लोगों से पूछता हूँ कि उस वीडियो पे और उस तरीके से वीडियो बनाने का जो विचार है सही रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। जिस हिसाब से अपन फिल्म देखी एक बार, मेरा ये है कि भाई देखो शॉर्ट्स और रील बहुत दिन से तो बना रहे हैं हम लोग, लेकिन एक बार ये वाला वीडियो भी ट्राई करके देखें कि चलता है कि नहीं चलता, बाकी अगर नहीं चलेगा तो फिर तो जैसे रील और शॉर्ट्स बना रहे हैं वैसे बनाते रहेंगे। तो आइडिया कैसा है ये वाला? तो मेरे दिमाग में पुष्पा को लेके एक शॉर्ट चल रही है वीडियो, शॉर्ट वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं बना पा रहा, क्योंकि कि ज़्यादा लंबी अभी बना नहीं पाएंगे, हम लोगों के पास टाइम नहीं रहता, 1.5 घंटे में हम लोग बड़ी मुश्किल से बना पाते हैं, शूट कर पाते हैं। एडिट करने का तो ये कहीं भी बैठ के एडिट कर लो, लेकिन शूट करने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए भाई, तो 1 घंटा या 1.5 घंटा मिलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ सुबह 6:30 बजे से चले जाएंगे, लोकेशन भी पता है हाथीबार जो है अपना, वहाँ पर पुष्पा मूवी का सीन शूट करने के लिए बढ़िया लोकेशन है, तो 6:30 बजे से निकल चलेंगे और वहाँ जाके बढ़िया तरीके से रील शूट कर लेंगे, और उसका जो आधा पार्ट है वो घर का है या कहीं पर गलियारे का है, तो वो बाकली में शूट कर लेंगे, बाकी जो पुष्पा का जो शूट है वो जाके हाथीबार में शूट कर लेंगे। तो और लोगों से बात करते हैं, अरविंद हो गया, अनस हो गया, अंजुल हो गया, इनसे भी बताते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, और फिर बढ़िया से रील बनाने के लिए चलते हैं। अभी यहाँ पे वीडियो बनाने की कॉन्सेप्ट की बात हो रही है भाई, मोनू भाई भी आ चुके हैं, तो हम लोग जो मिर्जापुर वाली सबसे फर्स्ट वाली बनाए थे कि यहाँ काय आए मुन्ना, तो वो वाली का स्क्रिप्ट सोच रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि सीन वैसे ही रहे लेकिन थोड़ा अलग अलग क्रिएटिविटी हो जाए, रोल वही रहेंगे सबके सेम, तो थोड़ा क्रिएटिविटी अलग हो जाएगी, तो हम लोग सोच रहे हैं कि गुरैया भटिया में जाके हम वहाँ जाके शूट करें, तो हम लोग ऐसे बुलेरो बुलेरो में चल के आएंगे हम लोग आगे।
तो लोग लूटा लेके बैठे रहेंगे ऐसे, और इधर लकड़ी गए थे काहे आया मरना, तो हम लोग बोलेंगे कि तुम्हारे टट्टी का डब्बा लेने आए। क्या बोला तूने? हमारे अरविंद भाई बोलेंगे नहीं, हमको जमके लगी है। तो हमारे अरविंद भाई बोलेंगे कि नहीं, हम टट्टी का डब्बा नहीं देंगे। हम लोग दोनों सोचेंगे तुम्हें तुम्हारे बाद में सोच रहे ये कॉन्सेप्ट चल रहा है हम लोगों के दिमाग में, तो ये बनाएंगे, ये वायरल हो गई, ये डलता ही साथ 10 के लाइक, 10 की लाइक खाली। चल भैया नहा लिया अपन ने, नमाज टाइम हो गया है, फटाफट से चलते हैं पहुंचते हैं, क्योंकि अजान होने में 2-4 मिनट ही बचे हुए, तो इससे पहले अजान हो अपन टाइम पे पहुंच जाते हैं मस्जिद। और लड़कों से तो बात कर ली है, अब शूट करने का और एक्टिंग का और कौन कौन सा रोल करता है वो सब बात करेंगे। पहले थोड़ा मन को शांत करके आते हैं, क्योंकि एक तो नहाने के बाद शांति मिल गई है, अब चल के नमाज पढ़ के शांति प्राप्त करते हैं। चलते हैं फटाफट से मस्जिद पहुंचते हैं, पैदल ही चलना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी भैया ले गए, उनको कहीं काम से जाना रहा तो वो लेके चले गए, तो अपन पैदल पैदल चलते हैं, इसलिए जल्दी चल रहा हूँ, 2 मिनट पहले ही चल रहा हूँ भाई, कि जल्दी पहुंच जाता हूँ, अजान भी मिल जाएगी नमाज भी मिल जाएगी। आज हमारे अरविंद भाई बुलाए हैं इसकी दुकान में कि पार्टी करवा रहे, कम से कम 500-1000 रुपये की। बहुत तेज हो रहे हैं, बहुत तेज हो। देख जी ये नहीं, ये शख्स 1000 रुपए की पार्टी करवाएगा भाई, पैसा लो शाम को रोजा खोलने के बाद। अरे रोजा से याद हो रहे, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। रोजा खोलने के बाद नहीं, रोजा खोलने की पहले नहीं, हाथ में पैसे जमा कर पहले, भाई करो हाँ करो, हाँ अब भाई देखो दे, निकालो पैसे, निकालो जेब में हाथ डालो, जेब को खोद डालो, पैसे निकाल डालो, 1000 1000 कहाँ भाई, 1000 कहाँ भाई, देखो 20 रुपए हो रहा है, 2 मतलब 2 आगे और 3 पीछे, सुनने लगा दो हो गए 2000, 20 की जगह 2 आगे 2 पीछे, तो 0000 ना भाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, 0000 आगे 2, 2 आगे और 2 पीछे 0 लगा दो, 2 आगे 2 पीछे 0 लगा दो, तो कितने भाई, 0000 मतलब तू चूना लगा के कगार, नहीं जिद्दी हो जल्दी ईमानदार, हजार 5 चलो 1000 नहीं 500 रुपए का खर्चा करवा लो, वीडियो बनाएगा तो बता मम्मी राग कब सुबह वीडियो पुष्पा की, कौन सा रोल कौन करेगा, अगर पक्का कर लो अबे तो सुबह चला अपन, बोला था ना कजू, पुष्पा में दिखा रहा हूँ ना वीडियो, वीडियो दिखा दी इनको, दिखा दी भैया मैंने वीडियो, अब इनको कैरेक्टर सिलेक्ट करना है इनको, कौन सा रोल कौन करता है, छह का 7 तो है लेकिन 6 रोल तो 6 का है, तो एक और एक्स्ट्रा खड़ो करवा दे ना अपन, कछु नहीं हो मैं, कछु बोल ले छोटे मोटे, यहां पर तू नुनू गए थे अपने मौसे बोल ले तू नुनू नुनू नुनू, मैं कौन छोटा बोल दे, कौन कर रहा है, कौन डाल दी मेरे पीछे डाल रहा है, तो बाबा आलू कर ले जो लास्ट में नहीं बोलते बा बोले का, तो अरे लिट्टी ई बाबा ना ई भाऊ, अरे भाऊ हाथ पांव वाला से बस पुष्पा का डायना हाथ नहीं, ये पाते ही बवालो, वही भी जो ते बताए ना कौन से वाले मारना, तो मैं भी चाहता हूँ, हाँ बवालो बवालो ये कर ले भाऊ, या भाई हाथ पांव बांधे वालो ते कर ले, लेकिन बांध के क्या अब्बा रोल को करे भाऊ, ओई ओई डबल रोल कर ले, तो मुड़े पीछे या खड़े हो अंजल का बांध अब ना, अरे कहाँ जा रहे बेटा, अंजल बोली अपना पार्ट बात पुष्पा
हमारे मोहल्ले में नई दुकान खुली है, ये देख लो आप सभी, नाम पढ़ लो क्या लिखा है, अनरा किराना स्टोर। और जो है अनरा भाई, ये वायरल हो जाना चाहिए वीडियो, देखो क्या अनरा किराना स्टोर में हम लोग वीडियो, ये देख लीजिए पास हो गया, रोजा खुल गया, अल्लाह हुम्मा लगा लग। हाँ मैं भाई अफ्तारी लेके मस्जिद, फिलहाल भाई भी आए यहाँ साता बहुत है, लेकिन भाई नमाज पढ़ने में कमर मटकाता अपने दिल को, साइड से ना चलो, चल रोकना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता, नहीं तो नियत टूट जाती भाई। तो चलते हैं, मस्जिद पहुँच चुके हैं, रोज़ा अफ्तार होने में 2-3 मिनट बचा है, चलते हैं पहुँचते हैं, और जैसे ही टाइम होता है रोज़ा अफ्तार का। अभी रोज़ा खोल के आ चुके भैया, और इन लोगों से ईमानदारी बता कौन खिलाएगा आज, इतने दिन से अफ्तारी मैं खिला रहा हूँ, अंडा नहीं भैया, आज मंगलवार है, टेंथ तो सब यहीं पे ख़त्म होती है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो तुम्हें क्यों खिलाना है, भाई मैं इतना अच्छा सोचा था, कितने दिन से मैं अफ्तारी खिला रहा हूँ भाई, सब कुछ भजिया अजिया बगैर, आज अंडे खा गए, अंडे तल के खिलाएंगे लोग, कह दिए मंगलवार तो यहीं के यहीं ख़त्म हो गया, चर्चा ही ख़त्म हो गई बिल्कुल। क्या बता रहे हैं, मंगलवार फिर डोनस की दुकान खुलवाओ, और पैसा अरविंद भाई को लेके चले, हाँ तो खिलाएंगे, कुछ कुछ बोल तो रहे थे जब हो जैसे क्या भैया को कह रहा हूँ, कह रहा नस की दुकान चले तो अरविंद भाई बोल लेते खर्चे ज़्यादा ना, 20 नहीं 5 झनिया 25 रुपये देख ले, पहले मैं गरीब था, फिर मेरे दोस्त ने ड्रीम इलेवन के बारे में बताया, अब मैं गरीब के साथ साथ कर्जदार भी। पाँच। जल्दी बता, चले चलो अनस की दुकान खुलवाते हैं, कौन काली, अच्छा अतुल खिलाने, अतुल भाई का, अतुल दुकान, नमस्ते नमस्ते, ये बासन वाले बाबा, तो अरविंद भाई के ग्रह उतार दिए 30 रुपए। अरे कहना क्या चाहते हो, जी गिरा उतार दिए है, नो पेड प्रमोशन, पैसा नहीं मिल रहा अभी, अरे गिरा उतर गए, कैसा लग रहा है 30 रुपए का गिरा उतर गया है, तो हमको अच्छा लग रहा है, रात भर आंसू का, क्या कहते हैं, पानी भरने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पेट ऑन बेबी, मेरे 30 रुपए चले गए, मैं तुमको अच्छे से कह रहा हूं भाई, आने दो पेटी, इसके आगे नहीं गा सकता, बैन हो जाएगा चैनल नहीं तो, चलते भैया रोज अफ्तार करते हैं चूड़े से। अभी चल रहा है भाई कार्ड पैकिंग का काम, तो अरविंद है, साहिल है, और अतुल है, डैडी है, मैं, सब हम लोग भाई कार्ड पैकिंग करवा रहे हैं, क्योंकि ये नए कार्ड आए हुए हैं व्यवहारी वाले, तो सोचा सब इकट्ठे मिलके पैक करवा लेते हैं, तो करते हैं इनको पैक, और थोड़ा मनोरंजन, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा, और एक साथ करने में जल्दी भी कार्ड भर जाएंगे, तो करते हैं काम फटाफट। तो भाई लगभग काम हो ही चुका है, इतने सारे कार्ड हम लोगों ने पैक कर दिए हैं, कुछ बचे हुए हैं, भाई साहब हालत ख़राब हो रखी है, ये सारे लड़के भी लगे हुए हैं, सभी लोग हालत बिल्कुल परेशान है, तो ये ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।